अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। साल में ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये मैंने उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। हो गया है, ये एक किलो से कम 3 पाव है ये चावल, उनको मैंने निकाल लिया। अभी मैंने चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था मसाले लगाकर, और प्याज लाल करके लहसुन अदरक का पेस्ट भून के फिर इन सबको मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया। अब मैं इसे निकालूंगी, और ये देखिए चिकन गल चुका है, गल गया है अच्छी तरह। अब मैं इनको निकालूंगी चिकन के पीसेस को, और इनको हल्का ये रोस्ट करूँगी तेल में। चावल जो है उसे नाप कर, कटोरी से एक कटोरी चावल थी तो मैं इसे थोड़ा 1.5 कटोरी ही चावल पानी डालूंगी। मैं बॉयल आने देती हूँ जब तक मैं अपने चिकन। मैंने साइड चेंज कर दी है, और इसको भी मैं देख ले रही हूँ। फ्रंट तो ये हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। पानी मेरे बॉईल हो गए हैं, मैंने गैस को सिम कर लिया है, चावल को डालने लगी हूँ पानी। तो चावल मैंने डाल दिया है, अब मैं इसे धीमी आंच में ढककर रख दूंगी 10 मिनट तक, और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी। चावल मेरे हो गए हैं, मैं गैस बंद करके इसको ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी मैं ड्राई फ्रूट को जो मैंने रोस्ट करके निकाला था उसको मैं इसमें छीट दे रही हूँ, और थोड़ा रहने देती हूँ गार्निशिंग के लिए। पीसेस को भी मैं इसमें तरह से ऐसे रख ले रही हूँ। थोड़ी देर के लिए दम में रखूंगी।
गाड़ी में जगह नहीं होती है चार जन की, तो फिर ऑटो में आई थी और अभी हस्बैंड यहाँ मेरा वेट कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ से कपड़े के शॉप में चलते हैं, देखती हूँ जो अच्छा लगे लेने हैं तो क्या लेती हूँ, चलिए देखते हैं। फ्रेंड फैशन वर्ल्ड में पहुँच गई हूँ, अभी मैं चलती हूँ अंदर, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है फिर वही ले लूँगी।